मेरा नाम हिमालय अग्रवाल है, मैं फलकम फिल्म्स का ओनर हूँ और कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। कॉन्फ्रेंस का अक्सर ही मकसद ऐसा ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये है कि आज जो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ी है उसको किस तरह से फुलफिल किया जा रहा है और किस तरह से कर सकते हैं ये हम बताना चाहते थे। हाँ, नई फिल्म के लिए बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह चल रही है, लेकिन अभी कोई भी फिल्म का डिक्लेयर करना उचित नहीं है। वो फिल्म प्रोडक्शन हाउस और फिल्म डायरेक्टर का काम है, वो जब भी अनाउंस करेंगे तब होगी। किस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे हैं आप? हम खुद फिल्म नहीं बनाते, हम तो एक फिल्म का छोटा सा पार्ट हैं, हिस्सा हैं उसके, कि हम फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कास्टिंग करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसे डायरेक्टर चाहता है वैसे कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग में कौन कौन कलाकार ऐसे हैं जो आप? कास्टिंग में बहुत सारे नए कलाकारों को मैं मौका देता हूँ, मजे हुए कलाकारों को मौका देता हूँ। स्टार कास्ट तो डायरेक्टर का खुद का काम होता है, वो खुद डायरेक्ट कर मतलब कास्ट कर लेते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं ऐसे। लेकिन हाँ, कोई नया बैनर है या कोई नए लोग हैं, जब उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम कास्टिंग कर देते हैं। कास्टिंग काउच बहुत ही अटपटा वर्ड है, आप खुद आर्टिस्ट रह चुके हैं, इस वर्ड से कितने सहमत हैं? हाँ, ये सवाल सभी ने मुझसे पूछा है, कास्टिंग काउच और कास्टिंग। मेरा यहाँ पे एक ही मकसद है, कास्टिंग काउच इज़ ए नॉट ए कास्टिंग पार्ट, कास्टिंग काउच इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो डिपार्टमेंट ही अलग है, वो लोग ही अलग हैं, वो काम ही करने वाले हैं। बट यहाँ पे कास्टिंग, अगर यदि कास्टिंग काउच से ही आप इसको जोड़ोगे तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने लोगों का काम कर रही है, इतने लोग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो काम नहीं होता। कास्टिंग काउच अलग चीज़ है और कास्टिंग अलग चीज़ है। हाँ, देखिए, जो एक्चुअल में कास्टिंग डायरेक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और पिछले 6-7 सालों में ये कास्टिंग का डिपार्टमेंट बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे कास्टिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। और हर प्रोडक्शन और हर डायरेक्टर के पास में इतना वक्त नहीं होता कि वो एक एक डायरेक्टर एक एक एक्टर को कास्टिंग करने के लिए वेट करे, देखे, समझे। इसलिए एक हिस्सा होता है कास्टिंग डिपार्टमेंट को देने का, या कास्टिंग किसी की जिम्मेदारी को देने का, कि वो अपनी जिम्मेदारी से लोगों को चुनकर और सही जगह पे सही लोगों को लेकर आए और हम तक पहुंचाए, जो कि हमें सिलेक्शन के टाइम पे हमें आसानी हो और इस फिल्म के लिए अच्छा हो। रही बात कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच जो करते हैं उसको कोई भी कंपनी शायद कास्टिंग में नहीं रखती, वो झूठे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और अपना शोषण करते हैं और चले जाते हैं, वो कास्टिंग कभी नहीं कर पाते। इसलिए मैं कास्टिंग को अलग और कास्टिंग काउच को अलग मानता हूँ। जो छोटे छोटे गांव से शहर से लोग आते हैं वो कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद में, कुछ वक्त जाने के बाद में, वो खुद समझने लगते हैं कि मैं गलत जगह जा रही हूँ या गलत जगह जा रहा हूँ। तो मेरा ये मकसद है कि मैं ऐसे लोगों को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहता, मुझे चाहे वो छोटे सावन के हों या मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। कास्टिंग के मामले में जब तक कास्टिंग में कॉम्प्रोमाइज़ मैनेज नहीं करनी, जब तक कास्टिंग के कैरेक्टर आते रहेंगे हम कास्टिंग करते रहेंगे। नहीं, न्यू कमर हो चाहे ओल्ड हो, चाहे सीनियर हो चाहे वेटरन हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे माँ हो, चाहे वो बहन हो चाहे लड़की हो, मैं ये बात कहूँगा, न्यू कमर तो इंडस्ट्री को चाहिए ही, हर वक्त एक न्यू चेहरे नए चेहरे की डिमांड है, रिक्वायरमेंट आती रहती है। अब हमारा काम ये होता है कि मैं नए चेहरे को कैसे मौका दूंगा और उसे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है बताने की, सिखाने की। अगर मेरे पास में कोई न्यू कमर आता है तो मैं तो बिना ऑडिशन के भी उसको कास्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे उस कैरेक्टर को जज में कैरेक्टर को डिजर्व करता है तो। कॉम्प्रोमाइज को लेके बहुत सारी फिल्में बनी हैं, यहाँ तक मधुर भंडारकर ने भी इस चीज़ में, मतलब कहा जाए तो कुछ नामी गिरामी हस्तियां भी हैं जो इसमें, जैसे शक्ति कपूर के ऊपर प्लास्टिक काउच का ऐसे नहीं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग अपने आप को पता नहीं क्या करने के लिए क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट आप जो ये बात पूछ रहे हैं ये एकदम एकदम गलत है। आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। कास्टिंग से ही राज कपूर की फिल्मों भी इंडिया से बाहर कास्टिंग की जाती है लंदन में, वो चीज़ काफ़ी ही
उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इंडिया में क्या कास्टिंग नहीं होती, इंडिया से बाहर जाया जाता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सब कुछ अपनी मर्जी से होता है, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक तो इंडस्ट्री बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत अच्छी है। अगर इसी तरह की गंदगी आप लोग जैसे पूछ रहे हैं वैसा होता तो हजारों करोड़ों का बिज़नेस इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था। आज सबसे ज़्यादा बिज़नेस दूसरी इंडस्ट्री के बजाय फिल्म इंडस्ट्री में पैसे आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है, और पैसे आ भी रहे हैं, काम हो भी रहे हैं। इतने बड़े बड़े बैनर, इतने बड़े बड़े नाम, इतने अवार्ड, इतने फंक्शन जितनी फिल्म इंडस्ट्री में किए जाते हैं शायद किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं किए जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से और अपने प्रोफेशन को पूरी तरीके से बखूबी निभाते हैं। जो करने वाले हैं वो कुछ और लोग हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो कुछ और लोग हैं। आप क्या चाहते हैं बोलने से? मेरा ये मकसद है कि एकदम साफ़ सुथरी इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री के लिए जुड़ के लग के लगन के साथ अपने भूमिका को निभाऊं और नए नए चेहरों को मौका दूं। और हमारा तो ये है कि हर छोटे गांव, छोटे शहर, छोटे किसी भी जगह अगर यदि कहीं उसे भी उभरता हुआ कलाकार मुझे मिलता है और हमारे करेक्टर को सूट करता है तो मैं उसे कास्ट करूँ। मैं उसमें बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं खुश रहता हूँ कि मुझे एक अच्छा कास्टिंग मिल गई है। सबसे बड़ा मकसद मेरा डायरेक्टर के खुश करने का होता है कि डायरेक्टर को जो चाहिए वो मैं दे पाया। अभी क्या है कि देखिए मैं बहुत बच्चा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितने भी शहर में लोग उभर रहे हैं, जैसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है, मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट होता है, ऐसे चाइल्ड वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो काम करती हैं अपने अपने शहरों में, छोटे हो या बड़े शहरों में, तो उनके साथ हम धीरे धीरे जुड़ना चाहेंगे, जुड़ रहे हैं। और वहाँ से जो उभरते हुए कलाकार मिलते हैं उनके लिए हम लोग कुछ वर्कशॉप वगैरह चलाने का प्लान हमारा है, वो देखते हैं कब सफल हो पाता है। और जैसे ही वो सफलता मिलेगी तो वहाँ से जितने भी अभी तक लोग खुद आते थे फिर हम उन्हें बुलाएंगे अपने कास्टिंग के लिए, अगर वो मेरी कास्टिंग को सूट करते हैं तो। मैं बॉम्बे बुला के उन्हें बहकाना या भटकाना नहीं चाहता हूँ। कला जो है एक शाहरुख खान से अच्छा या एक्टिंग करने वाला रास्ते में घूमता उनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको ले जाने वाला प्रॉपर बंदा नहीं मिलता है कि जो उनको सही राह दिखा सके। मुंबई में एक आदर्श नगर माहड़ा काफ़ी बदनाम जगह है कास्टिंग के मामले में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बदनाम कुछ भी नहीं है। हर दूसरी गली में दो दो ऑफिस हैं। देखिए मैं इसको बदनामी नहीं कहूँगा, हर आदमी कोशिश करता है, जब पेड़ लगाए जाते हैं तो सोचता है कि बड़ा होगा, आंधी तूफान की वजह से हो सकता है वो बड़ा ना हो पाए, पनप ना पाए हो। तो वैसे ही ये फिल्म इंडस्ट्री में हर इंसान ये चाहता है कि मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊँ, मैं भी डायरेक्टर बन जाऊँ, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती, इसलिए अभी वो औकात या वो आप उसको कहेंगे कि अभी उतने अलाउ नहीं है, मतलब उतने सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल के सोचते हैं कि कल का शाहरुख खान मैं भी बन सकता हूँ या कल का मैं बड़ा प्रोड्यूसर भी बन सकता हूँ। तो कोशिश सबकी है, कोई सफल हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है, और सही रास्ता दिखाने वाले को सफलता मिल जाती है, जो सही रास्ता नहीं देखते उन्हें सफलता नहीं मिलती है। हमारा मकसद यही था कि मैं लोगों तक बताऊं कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं और आप लोगों को सही रास्ते पे लेके जाने वाला हूं। जो भी मेरे साथ जुड़ेगा या जो भी मेरे साथ काम करेगा वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगा, अच्छे बैनर के साथ हम काम करेंगे जहां पे लोग अच्छे हैं, अच्छे से पैसे मिलते हैं, अच्छे से लोग होते हैं, इज्जत पूरी मिलती है। मेरी कोशिश है कि मैं उन सबको जोड़ूँ और मैं उन सबको काम दूँ जो ज़रूरतमंद है। कॉन्टैक्ट हमारे मेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, हमारी कंपनी के वेबसाइट पे, वेबसाइट नहीं मतलब गूगल के थ्रू कर सकते हैं, हमारे हर जगह हमारे वेबसाइट फेसबुक पे हमारे नोट्स होते हैं, हमारे यूट्यूब्स पे नोट होते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे नोट्स होते हैं, जो चाहे मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आ जा सकता है। थैंक यू सर। पीछे सिगरेट का डब्बा ना आना चाहिए। कैमरे में देखिए सर।